केंद्र ने गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल को वाई श्रेणी की सशस्त्र वीआईपी सुरक्षा प्रदान की है। गुजरात चुनाव से पहले ऐसी सुरक्षा व्यवस्था देने पर सवाल तो उठने लाजमी ही है। सियासी गलियों में सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या पाटीदारों का वोट कांग्रेस के पाले में खिसकता देख हार्दिक का मन मोहने के लिए ये रणनीति अपनाई गई है। क्या पीएम मोदी अपना गढ़ बचाने के लिए आरक्षण की जगह सुरक्षा देकर हार्दिक को पटाने में लगे हैं। हार्दिक पटेल को सुरक्षा मुहैया कराने पर केंद्र सरकार ने सफाई दी है कि पाटीदार नेता की जान को खतरा है, इसलिए उन्हें वाई श्रेणी की सशस्त्र वीआईपी सुरक्षा दी जा रही है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के नेता की सुरक्षा का जिम्मा दिया गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सीआईएसएफ कमांडो का एक दल जल्द ही सुरक्षा का प्रभार संभालेगा, जिसमें पटेल के साथ करीब 8 कमांडो होंगे। आपको बता दें कि सीआईएसएफ देश के 60 वीआईपी की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालती है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चीफ मोहन भागवत भी शामिल हैं। हार्दिक पटेल को इस श्रेणी की सुरक्षा देने पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने कहा है कि हार्दिक ने हमारे साथ मिलकर बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है, इसलिए बीजेपी डर गई है और अब केंद्र की मोदी सरकार हार्दिक को सुरक्षा देकर लुभाने की कोशिश कर रही है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।